गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे है भाई सब। कल हमने रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में किया था कि रेट ऑफ रिएक्शन में किस किस तरीके से उसको फैक्टर इफेक्ट करते हैं, ठीक है, कौन कौन से फैक्टर रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करते हैं। उसके बाद हमने जो टॉपिक शुरू किया था वो था लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन। इसके अंदर हमने क्या कहा था कि कोई जनरल रिएक्शन हमारे पास ए ए बी बी से क्या बनता है, हमें कुछ भी प्रोडक्ट बनता है, हमें लॉ ऑफ मास एक्शन में प्रोडक्ट से मतलब नहीं होता, ठीक है, हमें लॉ ऑफ मास एक्शन के लिए प्रोडक्ट से मतलब नहीं होता, सिर्फ रिएक्टेंट से ही मतलब होता है। ओके, तो यहाँ पर क्या कहता है, ये लॉ ऑफ मास एक्शन गिलबर्ट और वैगे दो साइंटिस्ट उन्होंने देखा था, ये उन्होंने देखो भाई कैसे किया था, उन्होंने सबसे पहले किया कि रेट ऑफ रिएक्शन तो हमें पता है, हाँ हम निकालते हैं चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइड बाय टाइम करके निकाल लेते हैं। फिर उन्होंने क्या देखा, कोई भी रिएक्टेंट है, हमने ए इस ए रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन दुगनी कर दी, ठीक है, डबल कर दी, ए रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या कर दी, डबल कर दी, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है, स्पीड ऑफ रिएक्शन क्या होगी, जो रिएक्शन की स्पीड है वो भी क्या होगी, डबल होगी। हमने थ्री टाइम्स इंक्रीज की, ट्रिपल की, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो गया, ट्रिपल हो गया। फिर फोर टाइम की, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो गया, फोर टाइम। तो उन्होंने क्या कहा कि जो ये रेट ऑफ रिएक्शन है वो ए की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन, जितना हम ए की कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं उतना ही ए रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है, मतलब वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। फिर उन्होंने क्या कहा, मान ए को कॉन्स्टेंट रखा, ए को चेंज किया, मतलब ये अगर फाइव ग्राम लिया तो फाइव ग्राम फिक्स कर दिया, लेकिन बी को क्या कर दिया, डबल कर दिया, ठीक है, बी का पहले बी कॉन्स्टेंट रखा, ए को चेंज किया, फिर ए को कॉन्स्टेंट रखा, बी को चेंज किया, ठीक है, तो बी को डबल किया, बी को डबल करने से मान लेते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, चार गुना हो गया, स्पीड चार गुना बनी पड़ गई, मतलब ये पहले फाइव ग्राम था, फिर टेन ग्राम मिला, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या होगा, फोर टाइम बढ़ गया। हमने थ्री टाइम इंक्रीज किया इसको, तो ये नाइन टाइम बढ़ गया, और अगर इसको हमने चार टाइम बढ़ाया तो वो 16 टाइम इंक्रीज होगा। ओके, तो इस तरीके से क्या देखा, उन्होंने कहा कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो स्क्वेयर ऑफ बी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बी का स्क्वेयर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब हम जितना बी बढ़ाते हैं रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, उसका स्क्वेयर हो जाता है ना, मतलब थ्री का नाइन, फोर का सिक्सटीन, इस तरीके से टू का फोर, इस तरीके से, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, उसका स्क्वेयर है। तो जनरली क्या बोला कि रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर ए और बी की पावर बी, ये डेफिनेशन हम कल लिख चुके हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ऑफ प्रोडक्ट यहाँ पर रिएक्टेंट प्रोडक्ट वाला प्रोडक्ट नहीं है भाई, प्रोडक्ट कौन सा है, मल्टीप्लाई वाला प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट, जितने भी रिएक्टेंट है चाहे वो टू रिएक्टेंट हो या फिर थ्री रिएक्टेंट हो, कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट ईच रेज टू पावर इज स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ठीक है, जो भी है उस हर एक रिएक्टेंट की पावर में क्या जाता है, उसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट जाता है, ठीक है, ईच हर एक रेज टू पावर इज स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कौन से होते हैं, जो आगे लिखे जाते हैं, वन टू थ्री फोर, बार बार मैं बताती आ रही हूँ, मैं इलेवंथ क्लास से बताती आती हूँ, बार बार जब भी हम यूज करते हैं स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कौन से होते हैं, तो वो होते हैं हमारे वन टू थ्री फोर, ये जो है हमारे स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ठीक है। तो लॉ ऑफ मास एक्शन की डेफिनेशन क्या हो जाती है, इट इज डिफाइंड एज, लिखी देखू मैं, इट इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट ईच रेज टू पावर रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अब यहां से, ठीक है, इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ
तो यहाँ पर फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का 5 हटा कर क्या लगा दिया, रेट इज इक्वल टू के, ए की पावर ए और बी की पावर बी। ठीक है, जो ये के है, के क्या है, रेट कॉन्स्टेंट, के क्या है, रेट कॉन्स्टेंट। ठीक है, अगर इस के को मैं डिफाइन करती हूँ, की डेफिनेशन आ जाए, डिफाइन रेट कॉन्स्टेंट। तो रेट कॉन्स्टेंट को कैसे डिफाइन करोगे भाई, रेट कॉन्स्टेंट को किस तरीके से डिफाइन करोगे? देखो, रेट कॉन्स्टेंट कैसे डिफाइन कर सकते हैं, जो ये है, अगर मैं इसको 1 ले लू, 1 की पावर चाहे कुछ भी हो, 1 आएगा। यहाँ पर भी 1 की पावर क्या होगा, 1 मतलब 1 की पावर चाहे कुछ भी हो, 1 ही आएगा। ओके, तो अगर मैं ये वाले जितने भी रिएक्टेंट है सभी को क्या ले लू, 1 मोलर ले लू, 1 ले लू कंसंट्रेशन, तो जो ये थ्री है ये किसके इक्वल हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल हो जाएगा। समझ में आया लोकेशन? अगर इन सभी को 1 ले लू तो ये के किसके इक्वल आ जाएगा, रेट के इक्वल आ जाएगा ना। ठीक है, तो रेट कॉन्स्टेंट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ रिएक्शन, जो रेट कॉन्स्टेंट है वो किसके इक्वल होता है, रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल होता है, रेट ऑफ रिएक्शन, व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ, व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट इज यूनिटी, यूनिटी यहाँ पर 1 है। ठीक है, यूनिटी या फिर क्या कह लो, 1 मोलर। ठीक है, अगर हम हर एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 1 ले लेते हैं तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट कॉन्स्टेंट है, वो किसके इक्वल होता है, रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल होता है। रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट हम कर चुके हैं, क्या होती है रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट, मोल पर लीटर पर सेकंड। ठीक है, उसके बाद है हमारा नेक्स्ट आता है कि कैरेक्टर्स ऑफ रेट कॉन्स्टेंट, कैरेक्टर्स ऑफ रेट कॉन्स्टेंट। अब यही पता है भाई हमें रेट कॉन्स्टेंट है तो कॉन्स्टेंट रहेगा। नेक्स्ट है कैरेक्टर ऑफ रेट कॉन्स्टेंट, किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए जो रेट कॉन्स्टेंट है वो क्या रहता है, कॉन्स्टेंट रहता है। रेट कॉन्स्टेंट क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इक्वल होता है अगर हम कंसंट्रेशन कर लेते हैं, तो जो रेट ग्रेटर दी वैल्यू ऑफ रेट कॉन्स्टेंट की वैल्यू जितनी ज्यादा हो, रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही ज्यादा आएगा, मल्टीप्लाई हो गया ना। ठीक है, ग्रेटर दी वैल्यू ऑफ रेट कॉन्स्टेंट, फास्टर दी रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, उतना ही फास्ट होगा। नेक्स्ट है भाई, किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए उसकी क्या होती है, रेट कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट डेफिनेट वैल्यू, वैल्यू कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, अगर हम टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहे हैं तो रेट कॉन्स्टेंट की वैल्यू क्या आती है, चेंज आती है, टेम्परेचर के साथ चेंज होता रहता है, ठीक है, चेंज विद टेम्परेचर फॉर पर्टिकुलर रिएक्शन। ठीक है, पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए जो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या होता है, चेंज रहता है। ओके, उसके बाद है रेट कॉन्स्टेंट डज नॉट डिपेंड ऑन
है, ठीक है, रेट कॉन्स्टेंट जो है कंसेप्ट रेशियो ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। उसके बाद फोर्थ है यूनिट ऑफ रेट कॉन्स्टेंट इज डिपेंड ऑन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अभी करेंगे भाई ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये नया वर्ड आया है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सबसे पहले तो कैग्री अभी हमने किया था, ये कहा था कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किसके इक्वल हो जाता है के, कि अगर हम ये बन ले देते हैं सारा कुछ, ओके ठीक है। तो यूनिट देखते हैं हम, यूनिट ऑफ के, यूनिट ऑफ के की यूनिट क्या होगी। अभी ये वन वन है भाई, इनकी तो कोई यूनिट नहीं होगी ना वन की, तो ये किसके इक्वल है रेट ऑफ रिएक्शन के, और रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होती है मोल पर लीटर पर सेकंड, ठीक है। तो रेट यूनिट ऑफ के क्या हो जाएगी अगर ये लेते हैं तो जीरो ऑर्डर के लिए आएगी है। अभी हम हर एक के लिए निकालेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से पढ़ेंगे। रेट दी वैल्यू ऑफ रेट कॉन्स्टेंट, जितनी वैल्यू ज्यादा होगी रेट कॉन्स्टेंट की रिएक्शन उतनी ही क्या होगी फास्ट। नेक्स्ट है रेट जो कॉन्स्टेंट है टेम्परेचर के साथ चेंज होता है भाई, टेम्परेचर का इफेक्ट हम करेंगे कि कैसे इफेक्ट होता है, ये टेम्परेचर के साथ चेंज होता है लेकिन कंसेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता। यूनिट ऑफ रेट कॉन्स्टेंट जो रेट कॉन्स्टेंट यूनिट है के की यूनिट, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है ऑर्डर के ऊपर रिएक्शन, ये ऑर्डर के ऊपर डिपेंड करती है। ऑर्डर करेंगे हम, ऑर्डर होता क्या है, ठीक है, ऑर्डर की डेफिनेशन करते हैं, ऑर्डर क्या होता है कर दो अभी रेट लो
इक्वेशन, ठीक है। ये जो पावर होती है उनका सम क्या होता है, ओडोर्सफुल रिएक्शन होता है, ठीक है, ओके। ये क्या होता है, जो भी ये पावर होती है रेट इक्वेशन के अंदर, रेट में जो इक्वेशन है उसके अंदर जो ये पावर है, कंसंट्रेशन जो पावर है उनका सम क्या होता है, हमारा ओडोर्सफुल रिएक्शन होता है, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा पावर यही तो है, ये अल्फा पावर है, ये बीटा पावर है। अगर अल्फा और बीटा क्या है, वन है, अगर अल्फा और बीटा फिर क्या आती है, वन आती है, तो ये क्या होगी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी। इफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू टू, देन ये कौन सी होगी, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, ओके, ठीक है भाई। उसके बाद अगर अल्फा प्लस बीटा क्या आता है, थ्री आता है, तो ये क्या होगी, हमारी थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, ओके। इस तरीके से मतलब अल्फा प्लस बीटा की जो भी वैल्यू आती है वही क्या होता है, हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है, ओके। अब हम यूनिट करते हैं, इसकी यूनिट क्या होगी, ओके, यूनिट ऑफ रेट कॉन्स्टेंट, ठीक है, यूनिट ऑफ रेट कॉन्स्टेंट। यूनिट निकालने का फॉर्मूला होता है क्या, कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस एन और सेकंड यूनिट, ठीक है, कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस एन और सेकंड यूनिट, ठीक है। अब यहाँ पर कंसंट्रेशन पावर 1 माइनस एन सेकंड यूनिट, कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस एन सेकंड यूनिट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, एन क्या है, यहाँ पर एन है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है, एन क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, जो एन है हमारा, ओके, एन इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इफ यहाँ पर हम लिख देते हैं ऑर्डर, यहाँ पर हम लिखते हैं यूनिट, ठीक है, यूनिट ऑफ के, ओके। अब हम निकाल रहे हैं, यहाँ पर हम ले रहे हैं ऑर्डर, यहाँ पर हम ले रहे हैं यूनिट, यहाँ पर हम ऑर्डर लेते हैं जीरो, ठीक है, जीरो ऑर्डर, तो जीरो ऑर्डर के लिए क्या होगी, कंसंट्रेशन एन की जगह जीरो टूट गया, वन माइनस जीरो वन आता है, ठीक है, तो मोल लीटर इनवर्स, वन माइनस जीरो वन, ठीक है, वन को लिखो या नन को, सेकंड यूनिट हो जाएगी मोल लीटर इनवर्स सेकंड, ओके। अगर फर्स्ट ऑर्डर है तो फर्स्ट ऑर्डर यहाँ पर वन पुट कर दो, ओके, एन की जगह वन पुट करो, वन माइनस वन, वन माइनस वन जीरो, ठीक है, तो जीरो, जब किसी की पावर जीरो होती है तो वो यूनिट, वो क्वांटिटी क्या बन जाती है, वन। अगर किसी की पावर जीरो हो तो वो क्वांटिटी पूरी वन बन जाती है ना, तो ये तो पूरा वन बन गया, तो यूनिट क्या बच गई, सेकंड इनवर्स। अरे जब किसी की पावर जीरो होती है तो वो वन बनता है, ठीक है, उसके बाद है सेकंड ऑर्डर, अगर सेकंड ऑर्डर हो तो यहाँ पर वैल्यू पुट करो टू, वन माइनस टू, वन माइनस टू क्या होता है, माइनस वन, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया, मोल लीटर इनवर्स माइनस वन और सेकंड इनवर्स, ठीक है, तो अब क्या लिखेंगे इसको, मोल इनवर्स लीटर, ये इनवर्स और इनवर्स, माइनस वन और माइनस वन क्या हो जाएगा, प्लस वन, वन, ठीक है, और सेकंड इनवर्स, ठीक है, मोल माइनस वन प्लस और माइनस, ठीक है। अगर थर्ड ऑर्डर हो तो क्या आएगा, फिर थर्ड ऑर्डर के लिए मोल लीटर इनवर्स माइनस टू
सेकेंड इनवर्स है ना, 1 माइनस 3 क्या वैल्यू आएगी, -2। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, मोल -2 लीटर 2 और सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो इसी तरीके से हम क्या निकालते हैं भाई, रेट ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालते हैं सबके लिए। ठीक है, हर एक रिएक्शन का क्या, ये यहां से 1 मार्क्स में क्वेश्चन पक्का है, चाहे 200 क्या 300% में से लिखवा लो, एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आता ही आता है। दो ऑर्डर दे देगा, यूनिट पूछ लेगा, या फिर यूनिट दे देगा, ऑर्डर पूछ लेगा, तो हमेशा आता है। और ये भी नहीं कह रहे कि मैं एक ही सेट में मिलेगा, हर सेट में भी आ सकता है। ठीक है, तो इसीलिए यूनिट से ऑर्डर और ऑर्डर से यूनिट निकालनी आनी चाहिए। के की वैल्यू दे देगा, ठीक है, मान लो तुमसे कह दे 4 any reaction k = 5.1 × 10⁻³ मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स, ये है व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये कह दे तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे बताओगे, यहां से देखोगे यूनिट से, यहां से देखने के बाद यहां पर क्या वैल्यू पुट करें एन की हमारा ये वाला आ जाए, एन की वैल्यू यहां पर हमें फॉर्मूला पता है, इस फॉर्मूले में क्या वैल्यू पुट करें एन की जगह कि ये हमारी यूनिट आ जाए। अगर हम एन की जगह 2 पुट कर देते हैं तो यहाँ पर -1 आ जाता है, यहाँ पर 1 और ये सेकंड इनवर्स। तो इसी तरीके से तुम्हें क्या करना है भाई, रिएक्शंस का ऑर्डर निकालना है। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास भाई, ऑर्डर जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो इसीलिए उसमें ये फ्रैक्शन में भी आ सकता है ऑर्डर, कोई पर्टिकुलर ही नहीं है। ऑर्डर सिर्फ क्या है, जो भी स्टिचोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो सम है। एक्सपेरिमेंट में दिया होता है, क्वेश्चन जो होता है उसमें दिया होता है कि कंसेंट्रेशन हमने डबल किया तो रेट ऑफ रिएक्शन इतना हो गया, फिर ये किया तो ये हो गया, ऑर्डर बताओ। तो ऑर्डर में हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं सिर्फ दोनों को। ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बता दो। ओके, हैव अ नाइस डे।